हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनएस ओपन बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और एग्जाम देने वाले हो एनएस ओपन बोर्ड से 10वीं का, और सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका पेपर कोड है 229, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को थ्योरी एग्जाम देने के साथ साथ बनाना होगा एक टीएमए, बनाना होगा आपको एक प्रैक्टिकल फाइल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे रहा हूं, और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सके और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके। प्यारे बच्चों, अगर आप एग्जाम देने वाले हो अप्रैल सन 2021 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2021 के अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इस वीडियो को देखकर आप अपना असाइनमेंट यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इन असाइनमेंट को देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, तो आप लोगों के इजीली 20 में से 18-19 नंबर तो 100% जरूर आएंगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो आंसर लिखते हैं वो बेहद जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखते हैं, ताकि किसी भी बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो और आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। वैसे तो आप लोगों को YouTube पर बहुत सारे फेक चैनल मिलेंगे जो आप लोगों को इस तरह का टीएमए का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते होंगे, लेकिन मैंने उनके आंसर देखे हैं, वो 100% प्योरली गलत हैं और उनके जो है आंसर का कोई भी बेस नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट राइट आंसर देता हूं और आप सभी बच्चे जो हैं ये भी जान पाएंगे कि एक्चुअल में सही असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाता है और किस तरीके से जो है आप लोगों को बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। तो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र, नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखें। यानी कि जो आपको असाइनमेंट ये तैयार करना है उसके फ्रंट पेज पे आपको क्या लिखना है, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और बीएन नंबर लिखना है, यानी कि एआई स्टडी सेंटर जो नंबर होता है वो लिखना है। अब आप लोगों को यह समझ में अगर नहीं आ रहा कि भाई उसकी फाइल कैसे बनेगी, उसके फ्रंट पेज पे जो हम लिखेंगे उसका स्टाइल कैसे होगा, कौन से पेजेस के अंदर लिखे जाएंगे और आप लोगों को इमेज वगैरह जो होगी वो कहां पर पेस्ट करनी है, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर आप लोगों को साफ साफ बता रखा है कि कोई भी असाइनमेंट बनाते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे नंबर मिल सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप गूगल से या फिर आप जो है यूट्यूब से या कहीं से कोई आंसर नकल मार के लिख लेते हो तो वो जो है प्योरली गलत होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जो आप ये जो आंसर लिख रहे हो वो किसके लिए लिख रहे हो। कहने का मतलब है कि जो आप असाइनमेंट बनाते हो वो असाइनमेंट के अंदर जो आपने आंसर लिखा है वो असाइनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कोई भी आंसर दे दिया और आप लिख लोगे। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेशन का टीएमए बना रहे हो तो टीएमए के मतलब के ही आंसर लिखने होंगे, और आप लोगों को ये बुक से लिखना होता है और जो आप लोगों को सपोर्टिंग मटीरियल एनएस ओपन बोर्ड की तरफ से दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ वहीं से लिखना होता है, कहीं और से नहीं लिखना होता। तो हमने आप लोगों को ये जो आंसर प्रोवाइड करवाए हैं वो आपकी बुक से प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि आप लोगों को सही आंसर मिल सके और आप जो है अच्छे नंबर पा सकें, क्योंकि जो नेट पे होता है, जो इधर उधर होता है वो अलग होता है आंसर, और जो आपके बुक के अंदर आंसर है वो अलग है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप शायद समझ रहे होंगे। तो देखिए, पहले आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके जो भी आपने आंसर लिखा है उसके सपोर्ट में इमेज जरूर चिपकानी है, चाहे वो हिंदी का असाइनमेंट हो, इंग्लिश का हो, पेंटिंग का हो या इकोनॉमिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट का आपका टीएमए क्यों ना हो, उसके अंदर आपको पिक्चर का यूज जरूर करना है। मैंने सही कहा, हिंदी के असाइनमेंट में भी चिपकेगा, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से इमेज आप पेस्ट करेंगे, इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए और इसको जो है ब्लैंक साइड वाला जो पेज होता है वहां पर आप पेस्ट कर देंगे, और जो लाइनिंग वाला पेज होता है उस पर आप लिख देंगे।
ठीक है। और प्रिंटआउट आप रंगीन भी निकलवा सकते हैं अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो, ठीक है। और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर देखिए, हमने इसकी डेफिनेशन को विस्तार दिया है, यानी कि रियल जो आंसर है वो ये रहा, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट होता है, पहले डेफिनेशन देनी है, फिर पिक्चर पेस्ट करनी है, फिर मेन आंसर लिखना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अपनाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को इस पूरी फाइल का पीडीएफ लेना है, आपको एक से लेकर छह तक के तमाम क्वेश्चनों के राइट आंसर लेने हैं, और आप लोगों को वीडियो में से देखकर आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आंसर को ढूंढने में, सही आंसर को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे इसका पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहां पर आप देखिए, हमने लिखा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद इस तरीके से हमने इसको हाईलाइट किया है। आप भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, हाईलाइट कीजिए क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको। तो सेम प्रोसीजर हमने इसमें भी अपनाया। देखिए, हमने पहले दिया है डेफिनेशन, उसके बाद हमने एक पिक्चर का यूज किया है, ठीक है, और उसके बाद मेन आंसर हमने यहां पर लिख दिया है। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी रहने वाला है, उसके अंदर हमने पहले दिया है डेफिनेशन, फिर उसके बाद इमेज, फिर उसके बाद आपका मेन आंसर। तो ये प्रोसीजर अगर आप हर असाइनमेंट के अंदर अपनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, छह क्वेश्चन, छह इमेज, और आप लोगों की छह डेफिनेशन और छह राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट अच्छे से बनता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहता है, तो हमारा भी जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करने का मन करता है। आप इस वीडियो को अपने 10-15-20 हजारों लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है हमें सपोर्ट मिले और हम आप लोगों के लिए इसी तरह का जो है काम करते रहें। और प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देंगे, मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 बना दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th के आंसर मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी और आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का शुक्रिया।